दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में नेटिक्स क्रीम के बारे में। भाई क्या है, कौन सी कंपनी का आता है, किन प्रॉब्लम में चलता है, किस तरह से काम करता है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए नेटिक्स क्रीम कैनबरो कंपनी की आती है, काफ़ी अच्छा कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट इसके आते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं स्किन स्पेशलिस्ट और ए डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, सेल्फ यूज नहीं करना है। कई बार दोस्तों इस नाम से नहीं मिलते तो आप कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड भी ले सकते हैं, जैसे कि नेडोक्सिन आती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी की, वो भी ले सकते हैं। नेडी ट्रीट आती है केएलएम कंपनी की, वो भी ले सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं। बात करें भाई यूथ के बारे में, तो देखिए कई बार स्किन के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, स्किन खराब रहती है, बहुत ज़्यादा इचिंग चलती है या गलने लगती है, तो वहाँ पर लगाई जाएगी। कट गया है किसी चीज़ का, चोट लगने के कारण घाव हो गया है, उस पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसको सबसे ज़्यादा यूज फेस पे होने वाली एक्नी प्रॉब्लम में किया जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे कि कई बार स्किन के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, फेस की स्किन के ऊपर नई नई फुंसियाँ आने लगती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ आ जाती है, तो वहाँ पर ये लगाई जाती है फेस की स्किन के ऊपर, तो एक्नी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। आँख में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, फुंसी वगैरह हो जाती है, फंगल वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी यूज की जाएगी। अगर बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर डाला गया है नेडोफ्लोक्सासिन 1%। नेडोफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक होता है, जहाँ पर भी बैक्टीरियल ग्रोथ होगा वहाँ पर ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, साथ ही साथ उन प्रोटीन को बनने से रोकता है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया पनपते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं, सूजन को भी कम करता है, ईचिंग को भी कम करता है, इसलिए ये स्किन की प्रॉब्लम में अच्छा काम करता है। हो सकता है अदर ऑइंटमेंट के साथ मिक्स करके भी डॉक्टर ने दिया हो, मिक्स करके भी लगाया जाता है, सिंगल यूज भी कर सकते हैं। डोज के बारे में बात करें तो आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो थोड़े बहुत हो सकते हैं यूज करने के बाद, जैसे कि इचिंग चलना, जलन होना या पपड़ी सी बन जाना, स्किन लाल होना, लेकिन ये हर किसी को नहीं होते हैं, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही रेयर चांस में ही होते हैं। सावधानी बस ये कि डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए। लगाने के बाद कोई मेजर साइड इफेक्ट हो तो तुरंत इसका यूज करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझ में लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं।